इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैक्सवेल इक्वेशंस के बारे में। तो देखिए, मैक्सवेल इक्वेशंस क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो इससे इंडिविजुअल भी डेरिवेशंस आ जाती हैं छोटी छोटी, और ये पूरी डेरिवेशन भी आपके पेपर में आ सकती है। तो मैक्सवेल इक्वेशन है क्या? तो देखो, मैक्सवेल इक्वेशन क्या है? अ सेट ऑफ फोर इक्वेशन है, सेट ऑफ फोर फंडामेंटल इक्वेशन है, जो क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिस्क्राइब करता है। तो देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ा था? हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। जब क्या होता है, चार्ज हमारा रेस्ट पर होता है, जब कोई हमारा चार्ज जैसे प्लस क्यू चार्ज है वो रेस्ट पर है, तो हम क्या पढ़ते हैं वहां पर? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रो स्टैटिक पढ़ते हैं। यानी स्टैटिक का मीन्स यहां पर क्या है, चार्ज रुका हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ते हैं। मैग्नेटोस्टैटिक, जहां पर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड है लेकिन कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटोस्टैटिक्स है ना। तो वहां पर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक अलग पढ़ा है, मैग्नेटोस्टैटिक्स। मैग्नेटिक फील्ड वहां पर क्या है, करंट कैरिंग वायर की वजह से क्या होता है, या फिर किसी चुंबक की वजह से, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है। अगर सोचो ये चार्ज क्या हो, एक्सेलरेटिंग चार्ज हो, चार्ज एक्सेलरेटिंग हो, तो उस केस में क्या होगा, जो हमारा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होगा वो दोनों ही प्रेजेंट करेंगे, और वो क्या होंगे, टाइम वेरिंग होंगे, टाइम के साथ बदल रहे होंगे, यानी कि स्टैटिक नहीं होंगे, डायनेमिक्स होंगे। तो उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जब हमारा चार्ज क्या हो, एक्सेलरेटिंग हो, एक्सेलरेट कर रहा हो, तो उस केस में क्या होता है, हम पे इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स मिलती है, हमें इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स मिलती हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ही समझने के लिए मैक सेट ऑफ फोर इक्वेशन हमें चाहिए होता है, जिनको मैक्सवेल इक्वेशन कहा जाता है, ठीक है। और फिर इसी इन्हीं मैक्सवेल इक्वेशन की सहायता से हम क्या करते हैं, जो प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसको डिस्क्राइब करते हैं, उसकी वेलोसिटी निकालते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ करते हैं। वो भी आपके क्या है, सिलेबस में है बीएससी में, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको भी हम करेंगे। तो पहली चीज़ आपको समझनी है क्या होता है, एक होता है आपका, ठीक है, एक होता है ये होता है। अब जब चार्ज क्या होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है, ठीक है, कांस्टेंट होती है क्या वेलोसिटी इसकी चार्ज की, तो क्या होता है, तो उस केस में आपको क्या मिलता है, मैग्नेटोस्टैटिक्स मिलता है, मैग्नेटो स्टैटिक मिलता है, ठीक। तो ये मैग्नेटोस्टैटिक का मीन्स क्या है, स्टैटिक का मीन्स रुका हुआ, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, यानी कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, टाइम वेयरिंग फील्ड है। ये फील्ड क्या है, स्टैटिक नहीं है, टाइम वेरिंग वेरिंग फील्ड है, यानी कि एक ऐसा फील्ड जो समय के साथ बदल रहा हो, तो वो फील्ड क्या होता है आपका, टाइम वेरिंग फील्ड होता है। तो आपको ये हो गया, जो ये चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसके अंदर आता है मैक्सवेल इक्वेशंस, ठीक है। तो मैक्सवेल इक्वेशंस को आप समझते हैं, मैक्सवेल इक्वेशंस क्या होती हैं। तो आई होप ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, टाइम वेरिंग फील्ड होती है, जब चार्ज हमारा एक्सेलरेटिंग होता है तो हमें क्या मिलता है। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एग्जांपल क्या हुआ, जो भी रेडिएशन है आपका, ठीक है, रेडियो वेव्स हो गई, जितनी भी वेव्स हैं जो रेडिएशन वेव्स होती हैं, ठीक है, सब रेडिएशन क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आता है, ठीक ठीक है। अब हम बात करते हैं मैक्सवेल इक्वेशंस की, जो हमारा टॉपिक है। देखो, मैक्सवेल इक्वेशन की यहां पर हम मैथमेटिकली उसका डेरिवेशन समझते हैं अच्छे से। तो क्या है ये, क्या है, अ सेट ऑफ फोर फंडामेंटल इक्वेशंस है, ठीक है। अ सेट ऑफ फोर फंडामेंटल इक्वेशन जो है वही क्या है, मैक्सवेल इक्वेशंस कहलाती हैं। अब मैक्सवेल ने खुद से ये क्या हुआ, कुछ नियम नहीं दिए थे, ये चार ऑलरेडी एग्जिस्ट करने वाले लॉस थे, उनको डिफरेंशियल फॉर्म में एक लिखा है इसने, ठीक है, एक में मॉडिफिकेशन भी करा है, जो लास्ट वाला है उसमें मॉडिफिकेशन भी करा है मैक्सवेल ने। तो वो जो चार इक्वेशन का सेट है वो कंबाइंड होकर क्या कहलाता है, मैक्सवेल इक्वेशंस कहलाता है, और उसकी मदद से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इन डिफरेंट मीडियम्स, फ्री स्पेस में भी और डिफरेंट मीडियम में भी। तो पहली जो इक्वेशन आती है इसमें वो आती है क्या, डाइवर्जेंस ऑफ डी इक्वल्स टू रो, और कई जगह पर आपको ये इस तरीके से मिल जाएगी, डाइवर्जेंस ऑफ डी इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दोनों का मतलब सेम ही है। और ये होती क्या है, जो ये इक्वेशन है ये क्या है, ये है गॉस लॉ, गॉस लॉ
गॉस लॉ से ड्राइव होती है, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो गॉस लॉ आपने पढ़ा होगा ना, वो क्या था, इंटीग्रल फॉर्म था, ये उसकी डिफरेंशियल फॉर्म है, ठीक। ये गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक ही है, लेकिन ये उसकी डिफरेंशियल फॉर्म है। तो ये फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन है आपकी, क्या है, फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन। अब सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन क्या है, डायवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, सॉरी ये क्या है, डायवर्जेंस ऑफ ई हो जाएगा, ये डायवर्जेंस ऑफ ई, डायवर्जेंस ऑफ ई जो है आपका रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। तो डायवर्जेंस ऑफ बी जो है वो आपका क्या है, जीरो, या फिर इसी को आप लिख सकते हो, कई जगह पर आपको मिलेगा डायवर्जेंस ऑफ, डायवर्जेंस ऑफ एच इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, डायवर्जेंस ऑफ एच इक्वल्स टू जीरो। ये जो चीज है ये आपका क्या है, गॉस लॉ, गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स है, मैग्नेटोस्टैटिक, जो मैग्नेटोस्टैटिक्स का गॉस लॉ है उसको, उसकी डिफरेंशियल फॉर्म है ये। अब आपने नहीं पढ़ा होगा तो एक बार पढ़ लेंगे उसको, अच्छे से समझ लेंगे गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स क्या कहता है, ठीक है। और जो आपका थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन है, ये आपकी सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन हो गई, थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन जो आती है आपकी, वो आती है कर्ल ऑफ, कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस का डेल बी ओवर डेल टी, क्या है, कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस का डेल बी ओवर डेल टी, ठीक है। अब ये जो है ये फैराडेज लॉ है, ठीक है, ये क्या है, फैराडेज लॉ है आपका, फैराडेज लॉ, ठीक है, फैराडेज लॉ है ये इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो फैराडेज लॉ आता है आपका, ये वो है, ठीक है। तो ये हो गया। अब जो आपकी फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन है ये उसी की डिफरेंशियल फॉर्म है, फैराडेज लॉ ऑफ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है उसकी डिफरेंशियल फॉर्म है एक तरीके से, ये कर्ल ऑफ ई इक्वल्स टू माइनस का डेल बी ओवर डेल टी। फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन जो आती है आपकी वो आती है कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू जे प्लस डेल डी ओवर डेल टी, ठीक है। ये जो है ये आपका कहलाता है एम्पियर्स मॉडिफाइड, मॉडिफाइड, मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ, मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ, ठीक है, मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ कहलाता है आपका। और ये मॉडिफाइड किसने करा है, ये मैक्सवेल ने मॉडिफाई करा है। तो ये चार सेट ऑफ इक्वेशन जो है ये आपका क्या कहलाता है, मैक्सवेल इक्वेशन कहलाती है, ठीक है। तो और इसमें आप देखो मैक्सवेल ने खुद का कोई इसमें नियम नहीं है, सब क्या है किसी और के नियम है, बस उसने अपना क्या करा है, इन सबको कंबाइंड करा है और इसकी मदद से बाकी चीजों को डिस्क्राइब करा है हम लोगों ने, ठीक है। तो अब एक एक करके इनके डेरिवेशन हम देखते हैं। तो जो पहला है हमारा डेल डायवर्जेंस ऑफ डी इक्वल्स टू रो, इसको प्रूफ कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो पेपर में आता है, पेपर में आता है कि डिफरेंशियल फॉर्म और इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ लिखने को अलग से, मैक्सवेल इक्वेशन नहीं बोलेगा, वो कहेगा राइट दी डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, और आपके फर्स्ट जो यूनिट होगा ना उसमें भी ये लिखा होगा, ठीक। और ये आएगा मैक्सवेल इक्वेशन, फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन के नाम से कम आता है और इस तरीके से ज्यादा आता है कि डिफरेंशियल और इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ बताओ। तो ये एक्चुअल में फर्स्ट आपको वही करना है, फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन ही प्रूफ करनी है, ठीक है। आई होप ये सब आपने लिख लिया होगा। अब एक एक करके ये जो अपनी इक्वेशन है मैक्सवेल इक्वेशन, इनको प्रूफ करते हैं। तो पहली मैक्सवेल इक्वेशन अपने को प्रूफ करनी है ये, ठीक है। तो आपको पता है गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको पता है क्या होता है, कि जो क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, ठीक है, वो क्या होता है ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू नेट, क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। किसी गाउसियन सरफेस
किसी गाउसियन सरफेस के अंदर जो नेट इनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है ई डॉट डी एस उसके लिए, ठीक है। और डी एस क्या होता है, गाउसियन सरफेस का सरफेस एरिया होता है, ठीक है। तो ये आपको पता है। अब क्या करना है, आपको इसको ड्राइव करना है इस फॉर्म में या फिर इस फॉर्म में, ठीक। तो यहाँ पर कैसे करेंगे इसको, तो पहली चीज़ कि आपको पता होना चाहिए कि ई जो क्यू है उसको क्या लिखा जाता है, ठीक है। पहले आप जानते हो कि जो रो होता है वो कैसे लिखते हैं। रो क्या चीज़ होती है, रो होती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो ये क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो सपोज कोई अपने पास एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, ठीक है। इस बॉडी का टोटल जो हमने चार्ज दिया है, ठीक, और टोटल जो उसका वॉल्यूम होगा, उनको मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे को वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मिल जाएगी। अगर ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है तो मैं चाहे इतना पूरा एरिया लेता या फिर मैं छोटा सा एरिया लेता इसमें, ठीक है, तब भी चार्ज डेंसिटी उतनी आती। तो इस छोटे से एरिया में सपोज जो चार्ज होता वो क्या होता, डी क्यू होता, और जो इसका वॉल्यूम होता वो डी वी होता, तब भी रो की वैल्यू क्या आती, डी क्यू ओवर डी वी करते जब हम, तब भी वो रो ही आती, वो सेम वैल्यू आती। जैसे यहां पर अगर क्यू और वी को डिवाइड करने पर 5 मिल रहा है, तो यहां पर जो डी क्यू और डी वी है को डिवाइड करने पर 5 ही मिलता, रो की वैल्यू उतनी ही आती, क्योंकि रो जो होता है वो क्या होता है, चार्ज डेंसिटी को दिखाता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को, तो वो यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो इससे क्या फायदा होगा, तो इन दोनों को बराबर रखूं अगर मैं, तो मैं देखता हूं डी क्यू की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, रो इंटू डी वी लिख सकता हूं, ठीक है। तो यानी कि मुझे पता लग रहा है कि क्यू जो है वो मेरा ये लिखा जा सकता है हर जगह पर, है ना। क्यू की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, रो इंटू डी वी लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो नेट चार्ज इनक्लोज्ड है इसको मैं रो इंटू डी वी की फॉर्म में लिखूंगा, और ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको इस साइड ले जाता हूँ, ठीक। तो अब ये अपना गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन आपने बनाई थी, अब इसको थोड़ा सा आप रीअरेंज कर रहे हो, तो अब ये क्योंकि कॉन्स्टेंट है तो ये अंदर चला जाएगा इसके साथ, तो एप्सिलॉन नॉट ई, ठीक है, डॉट डी एस, ये ऐसे ही रहने दिया आपने। और यहाँ पर आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन, क्या क्यू की जगह पर आप लिख सकते हो रो इंटू डी वी, ठीक है। अब क्या होता है, डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होता है आपका, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी जो होता है वो एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी होता है। यहाँ पर ये जो होता है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है एप्सिलॉन नॉट ई, पी क्या होता है, पोलराइजेशन को दिखाता है। तो पोलराइजेशन होती कहाँ पर है, पोलराइजेशन डायलैक्ट्रिक जो अपने डायलैक्ट्रिक्स होते हैं उनके अंदर पोलराइजेशन होती है जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं। तो यहाँ पर तो नहीं होगी पोलराइजेशन, है ना, यहाँ पर तो हम कंसीडर नहीं कर रहे पोलराइजेशन। तो कई जगह पर आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है जहाँ पर डायलैक्ट्रिक्स की बात हो रही है, जहाँ पर पोलराइजेशन की बात हो रही है। जब पोलराइजेशन नहीं होती तो डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई होता है, ठीक है। ये भी फॉर्मूला आपको यूज़ करना है कई जगह पर आपको ये यूज़ करना पड़ेगा। ये कब यूज़ करना है, जब पोलराइजेशन हो रही है, जब पोलराइजेशन नहीं हो रही तो ये यूज़ करना है। तो इसका मतलब एप्सिलॉन नॉट ई को मैं डी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको लिख दिया डी डॉट डी एस इज इक्वल टू रो डी वी, ठीक है, ये हो गया। अब एक क्या होती है, थ्योरम होती है आपकी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो ये आई होप आपने लिख लिया होगा, तो मैं रब कर रहा हूँ इसको, ठीक है। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम होती है एक, तो जो क्या कहती है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के अकॉर्डिंग, कि आप क्या सरफेस इंटीग्रेशन को वॉल्यूम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास क्या है, सरफेस इंटीग्रेशन हो रही है किसी एलिमेंट ए की डॉट डी एस, तो उसको अगर आप वॉल्यूम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करते हो तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, आपको डाइवर्जेंस ऑफ ए लेना पड़ेगा, वेक्टर ए, आपको डाइवर्जेंस ऑफ ए डी वी की रूप में लिख सकते हो आप उसे, ठीक है। तो ये क्या है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम कहती है, क्या कहती है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम कहती है। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के अकॉर्डिंग आप इस तरीके से लिख सकते हो, यानी कि ये जो है यहां पर अगर मैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगा दूं, यहां पर लगा दूं अगर, ठीक है, ठीक है, बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, डाइवर्जेंस थ्योरम अगर मैं देखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, ये जो ये है इसको मैं डी वी मतलब वॉल्यूम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करूंगा, तो डाइवर्जेंस ऑफ डी वी इक्वल्स टू
ठीक है, रो डी वी हो जाएगा। अब दोनों साइड क्या हो गया, वॉल्यूम इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है, तो यहाँ तक सही है। अब मैं क्या लिख सकता हूँ इस इक्वेशन को, देखो ये जो इक्वेशन है इसको रो डी वी को इस साइड लेकर आया तो ये हो गया, ठीक है, डी माइनस रो, ठीक है, डी वी इक्वल्स टू ज़ीरो। अब यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि ये ज़ीरो आ रहा है तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ डाइवर्जेंस ऑफ डी माइनस रो इज इक्वल टू ज़ीरो एंड डाइवर्जेंस ऑफ डी इज इक्वल टू रो। तो ये मेरा हो गया प्रूफ, ठीक है, ये प्रूफ हो गया। अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, वैसे आपको इसी फॉर्म में करना है, ये एग्जैक्ट फॉर्म है, ठीक है, यहाँ हो गया। अगर आप फिर से इसको उसी फॉर्म में लिखना चाहते हो तो डी को आपको पता है डी आपने क्या लिखा था, एप्सिलॉन नॉट ई लिखा था, ठीक है, तो एप्सिलॉन क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको खोलोगे तो कांस्टेंट तो इधर भी आ सकता है, तो फिर से ये वाली फॉर्म बन जाएगी, ठीक है, तो ये फॉर्म भी सही है। तो ये आपको प्रूफ करना है। अगर आपसे वो कहता है गॉस लॉ की डिफरेंशियल फॉर्म लिखो तो ये आप लिख के आओगे, वहाँ से स्टार्ट करी, इंटीग्रल फॉर्म से आपने स्टार्ट करा और डिफरेंशियल फॉर्म आपने प्रूफ कर दी गॉस लॉ की, ठीक है। और ये वो भी था और दूसरी चीज़ ये फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन थी हमारी, ठीक है, तो ये बात हो गई अपना, पहली मैक्सवेल इक्वेशन हमने प्रूफ कर दी। अब क्या है, सेकेंड मैक्सवेल इक्वेशन प्रूफ करनी है अपने को। तो मैंने जो स्टार्टिंग में लिखा था उसमें लिखा था जो सेकेंड मैक्सवेल इक्वेशन है वो कहाँ से आई है अपनी, वो क्या है, गॉस लॉ है इन मैग्नेटोस्टैटिक्स, ठीक है, गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स है और कुछ नहीं है वो, ठीक है। तो सेकेंड मैक्सवेल इक्वेशन, तो देखते हैं सेकेंड मैक्सवेल इक्वेशन, जो सेकेंड मैक्सवेल इक्वेशन है, सेकेंड मैक्सवेल इक्वेशन जो है, जो कि क्या हमें प्रूफ करनी है, डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू ज़ीरो, ये हमें प्रूफ करना था। तो देखो गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स क्या कहता है कि किसी भी क्लोज्ड लूप के में, किसी भी क्लोज्ड सरफेस के लिए जो बी फ्लक्स होता है, किसी भी क्लोज्ड सरफेस से जो बंधा हुआ फ्लक्स होता है वो जो होता है वो आपका क्या होता है, ज़ीरो होता है। बी डॉट डी एस जो होता है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है किसी भी क्लोज्ड सरफेस के लिए। ये क्या है, गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स है। एग्जैक्ट वर्ड्स मैं आपको बता देता हूँ, ये कहता है द फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन अक्रॉस एनी क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज ज़ीरो, ठीक है, क्या कह रहा है, द फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन अक्रॉस एनी क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज ज़ीरो। अगर कोई सरफेस है तो उससे जो बंधा हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो ऑलवेज क्या होगा, जीरो होगा। ये मैग्नेटिक फ्लक्स को दिखाता है, जैसे वहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था, है ना, वहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स से निकाल देते हैं हम फाइ ई जो होता है वो होता है अपना ई डॉट डी एस, ये होता है, ठीक है, ये क्या होता है, ये किसी क्लोज्ड सरफेस के लिए होता है और हम निकालते हैं, और ये क्या होता है, ये गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। अब गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स ये होता है, लेकिन ये क्या कह रहा है, क्लोज्ड सरफेस के लिए जब बी डॉट डी एस निकालूंगा मैं तो वो हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। अब वो जीरो क्यों आएगा ये एक बार समझते हैं, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पेपर में इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी पूछ सकता है, ये ड्राइव करने को भी आएगा और इसका फिजिकल मतलब क्या है इसका ये भी पूछ सकता है वो, ठीक है। तो बी डॉट डी एस जो है वो आपका क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि देखो अगर आप एक कोई भी क्लोज सरफेस ले रहे हो, सपोज ये स्फेयर है, ठीक है, और इसके अंदर आपने क्या करा है, चुंबक रख दी एक, ठीक है, ये इसका एन हो गया, ये एस हो गया। अब इससे क्या होगा, जो अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएंगी, गुजरेंगी इससे, अब एक सिरे से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएंगी वो दूसरे से क्या आ जाएंगी, उसके अंदर वापस आ जाएंगी, जो इधर से गई वो वापस आ जाएंगी, वापस आ जाएंगी, वापस आ जाएंगी। तो एक्चुअल में जो नेट मैग्नेटिक लाइन इसके अंदर एंटर कर रही है, नेट मैग्नेटिक लाइन, वो कितनी हो गई, जीरो हो गई। अब आप क्या हो गया, चलो ठीक है भैया ऐसा करो, जो मैग्नेट है उसको ऐसे रख लो, ऐसे रखोगे तो सरफेस क्लोज थोड़ी रह गई, सरफेस क्लोज थोड़ी रह गई, सरफेस तो टूट गई ना, खोल दिया आप, ठीक है। तो जो भी आप मैग्नेट रखोगे वो आप क्या कर सकते हो, वो अंदर ही रखोगे, और अंदर रखोगे तो जितनी मैग्नेटिक लाइन आप बिल्कुल कोने पर रख दो, ठीक है, ऐसे करके कोने पर रख दो एनएस को, ठीक है,
तब भी जो लाइंस होंगी वो ऐसे करके जा रही हैं, ठीक है, तब भी क्या होगा, आप जितनी लाइन इससे बाहर निकल रही है, ठीक है, उतनी ही इसके अंदर भी जा रही है, ठीक है, उतनी ही इसके अंदर भी चली जाएंगी। तो क्या होगा, जो नेट अब फ्लक्स होता क्या एक्चुअल में, जैसे वहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता था, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजर रही है, ठीक है, एक सरफेस से होकर, वो उसके उससे होकर गुजरने वाला फ्लक्स होता था, तो ऐसे ही यहां पर मैग्नेटिक जो फ्लक्स होता है वो भी तो वही होता है, मैग्नेटिक लाइन जितनी गुजर रही है, तो नेट मैग्नेटिक लाइन कितनी गुजरेंगी इसमें से, ठीक है, इसके अंदर कितनी मैग्नेटिक लाइन एंटर कर रही है, ठीक है, जो नेट एंटर कर रही है पॉजिटिव, तो वो इसका पॉजिटिव फ्लक्स हो जाता, अगर इसके अंदर से निकल रही होती तो फ्लक्स नेगेटिव हो जाता, लेकिन यहां पर जो नेट फ्लक्स होगा वो जीरो होगा, क्यों, क्योंकि ना तो इसके अंदर आप मैग्नेटिक जो फ्लक्स है उसको एंटर करा सकते हो एक्स्ट्रा, ठीक है, क्लोज्ड सरफेस है, तो ना ही इससे बाहर निकाल सकते हो एक्स्ट्रा, ठीक है। तो ये जो हो गई, ये बात हो गई किसकी, बी डॉट डी एस आपका जीरो क्यों आ रहा है, जो फ्लक्स है वो जीरो क्यों आ रहा है। तो अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या हुआ, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये हुआ कि जो मैग्नेटिक मोनोपोल है, मैग्नेटिक मोनोपोल, देखो जो मैग्नेट है वो डायपोल है, एन और एस, तो मैग्नेटिक मोनोपोल कैन नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, क्या दिखाएगा, मैग्नेटिक मोनोपोल कैन नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, यानी कि आप खाली N या S नहीं बना सकते, अगर आप खाली N बना दो, ठीक है, खाली N होता तो सपोज यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो बाहर निकल रही होती, ठीक है, खूब सारी बाहर निकल रही होती, तो आपको नेट फ्लक्स मिल जाता कुछ, है ना, S बना लेते तो कुछ अंदर आ रही होती है सपोज, है ना, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि आपके जो मैग्नेटिक मोनोपोल है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते, आप इसको कितना भी तोड़ लो वो N और S में ही बनेगी मैग्नेट, ठीक है, अगर खाली N होता तो बढ़िया हो जाता, खाली S होता तब भी बढ़िया हो जाता, ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है नेचर में, हमेशा जो मैग्नेट होती है वो डायपोल में ही होती है, ठीक है, इसलिए जो क्लोज्ड सरफेस है उससे होकर गुजरने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो ऑलवेज जीरो होता है, ये जो है ये आपकी क्या है, गॉस लॉ है, गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक, ठीक है, ये हो गया। अब इसको प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है तो सिंपल है भाई, बिल्कुल सिंपल है, जैसे कि वहां पर हमने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगाई थी, अब यहां पर क्या लगा, तो यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का आपने यूज कर दिया, जैसे ही गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज करोगे तो मैंने बताया वहां पर अगर आपके पास कोई वेक्टर ए है और वो डीएस में है, उसको आपको वॉल्यूम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करना है, तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या करती है, डाइवर्जेंस ऑफ ए डीवी के बराबर होगा ये पूरी चीज, तो यहां पर बी डॉट डीएस है तो इसको क्या लिख सकते हो आप, डाइवर्जेंस ऑफ बी डीवी, ठीक है, इक्वल्स टू जीरो, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू जीरो, ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है, ये आपकी सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन आपने प्रूफ कर दिया, ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन के बारे में, ठीक है, तो थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन देखते हैं, थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन क्या कहती है, थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन आपकी होती है कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस का डेल बी ओवर डेल टी, ठीक है, क्या होता है थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन क्या कहलाती है आपकी, ये फैराडेज लॉ है, ठीक है, तो ये क्या होती है कर्ल ऑफ, प्रूफ क्या करना है हमें, कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस का डेल बी ओवर डेल टी, डाइवर्जेंस कर्ल आपने पढ़ लिया होगा मेरे ख्याल से, नहीं पढ़ा तो वीडियो डाल रखिए चैनल पर देख लेना, ठीक है, डाइवर्जेंस कर्ल क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, तो कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस का डेल बी ओवर डेल टी हमें प्रूफ करना है, तो फैराडे लॉ क्या कहता है, फैराडेज लॉ क्या कहता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ठीक है, वो क्या होगा, डी फाई ओवर डी टी होगा, इसकी एग्जैक्ट जो वो है,
वो मैं आपको बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ क्लोज्ड लूप, ठीक है, इज डिफाइंड एज द नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो कह रहा है ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ क्लोज्ड लूप, यहाँ पे लिख लो क्या है, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ क्लोज्ड लूप इज डिफाइन एज नेगेटिव, ठीक है, इज डिफाइन एज नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, ये होता है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ क्लोज्ड लूप इज डिफाइंड एज द नेगेटिव रेट ऑफ चेंज द नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका फैराडेज लॉ होता है। अब यहाँ पर ये फाई जो है ये मैग्नेटिक फ्लक्स है। अभी हमने पढ़ा था कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है फॉर क्लोज लूप तो जीरो होता है, लेकिन अगर क्लोज लूप ना हो तब भी आप मैग्नेटिक फ्लक्स को आप कैसे दिखाओगे, इस तरीके से दिखाओगे, लेकिन यहाँ पर क्लोज का साइन नहीं बनाओगे, सरफेस होगी कोई, उस सरफेस के लिए जो मैग्नेटिक फ्लक्स आप लिखोगे वो आप कैसे लिखोगे, बी डॉट डी एस लिखोगे, लेकिन ये जीरो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि क्लोज्ड सरफेस नहीं है, वहां पर जो हमने सरफेस बनाई थी उस पर ऐसा करके साइन बना रखा था, वो दिखा रहा था कि जो हमारी सरफेस है वो क्लोज्ड है, लेकिन ये क्लोज्ड सरफेस नहीं है, ठीक है, तो ये बी डॉट डी एस हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये इक्वेशन वन हो गई और ये इक्वेशन टू हो गई। फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू आप क्या कह सकते हो, ई जो हो जाएगा वो माइनस का डी ओवर डी टी, और फाई को आप क्या लिख सकते हो, यहां पर इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस लिख सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में ये जब जाएगा अंदर तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन के साइन में ही रहेगा, ये हो जाएगा डेल बी ओवर डेल टी, ठीक है, डेल बी ओवर डेल टी डॉट डी एस। अब ये डी था और ये डेल हो गया यहाँ पर, अब ये इसलिए हो गया क्योंकि जो इसका मतलब बी जो होगा वो ओनली टाइम पर डिपेंड करता है, ठीक है, और किसी फैक्टर पर चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ टाइम के पर ही चेंज हो रहा है, तो इसलिए ये आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से लिख सकते हो, इसको सही से लिख दे रहे हैं, डेल की फॉर्म लिख देते हैं, तो डेल बी ओवर डेल टी आपने लिख दिया। अब यानी कि ई जो हो गया वो आपका क्या हो गया, माइनस का इंटीग्रेशन डेल बी ओवर डेल टी डी एस, ये हो गया। अब आपने इसको इक्वेशन वन बना दो, ठीक है, इक्वेशन वन तो आपने पहले ही बना रखे, इक्वेशन थ्री बना दो इसको, ठीक है। अब जो आपका ये जो है ईएमएफ इंड्यूस्ड है, ये एक और चीज़ एक और फॉर्म में आप लिख सकते हो, वो कैसे लिख सकते हैं आप देखते हैं, ठीक है, देखो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड है उसको एक और फॉर्म में लिखा जा सकता है, दो ईएमएफ इंड्यूस्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में अगर आप लिखो तो आप कैसे लिख सकते हो, कह रहा है द वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट चार्ज अराउंड अ क्लोज लूप सी, ठीक है, वर्क डन, ठीक है, क्या वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट चार्ज अराउंड अ क्लोज लूप सी, ठीक है, इफ इफ ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डीएल इज द एलिमेंट इन स्मॉल लूप, ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो ई इज इक्वल टू ई डॉट डीएल, ठीक है, ये वाली डेफिनेशन आपने 12th क्लास में पढ़ी होगी, किसके लिए, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, V इज इक्वल टू डी ई डी एल, इस फॉर्म में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, तो वही यहां पर यूज करिए, किसके लिए, पोटेंशियल ईएमएफ के लिए आपने यूज कर दिया यहां पर, ठीक है, तो आप E जो है अपना स्मॉल E उसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो फॉर अ क्लोज्ड लूप के लिए, ठीक है, ठीक, तो ये होगी आपकी, तो एक ये होगी इक्वेशन, इसको इक्वेशन फोर बना लेंगे हम, ठीक, इसको इक्वेशन फोर बना लिया। अब फ्रॉम इक्वेशन थ्री और फोर से ये दोनों इक्वेशंस क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है, बराबर होंगी तो इनको बराबर रख देना है हमें, बराबर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा ई डॉट डी एल, ठीक है, इज इक्वल टू
माइनस का डेल बी ओवर डेल टी डी एस। अब यहाँ पर दोनों साइड सरफेस इंटीग्रेशन नहीं है, तो इसको सरफेस इंटीग्रेशन में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, एक ही जैसा हो पाएगा तभी तो कर पाएंगे इसको। तो यहाँ पर एक और थ्योरम लगाएंगे हम, जिसको कहा जाता है स्टोक्स थ्योरम। क्या लगाएंगे? स्टोक्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, ठीक है, बाय स्टोक्स थ्योरम कहेंगे। अब स्टोक्स थ्योरम क्या कहती है? स्टोक्स थ्योरम कहती है आपकी, अगर आपके पास लाइन इंटीग्रेशन है, ए कोई वेक्टर है उसका लाइन इंटीग्रेशन हो रहा है, आप उसको सरफेस इंटीग्रेशन में बदलना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कर्ल उस वेक्टर का करना पड़ेगा। कर्ल ऑफ ए डी एस की फॉर्म में आप उसे लिख सकते हो, ठीक है, कर्ल ऑफ ए डी एस की फॉर्म में आप उसे लिख सकते हो। तो ए है उसका लाइन इंटीग्रेशन हो रहा है, उसको आपको सरफेस इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करना है, तो इस तरीके से करोगे। तो ये जो लाइन इंटीग्रेशन हो रहा है इसको सरफेस इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कैसे करेंगे? कर्ल ऑफ ई डी एस इज इक्वल टू माइनस का, ये हो जाएगा आपका क्या, डेल बी ओवर डेल टी डी एस। अब यहाँ से आप लिखोगे क्या, इंटीग्रेशन कर्ल ई वेक्टर, अब इसको इस साइड ले आए तो प्लस का डेल बी ओवर डेल टी हो जाएगा और डी एस कॉमन आ जाएगा इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा क्या, कर्ल ऑफ ई जो हो जाएगा वो प्लस डेल बी ओवर डेल टी इक्वल्स टू जीरो और कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस का डेल बी ओवर डेल टी, ठीक है। तो जैसा मैंने कराया आप उसी तरीके से कर लो, ठीक है, अगर ज़्यादा समय नहीं है, ठीक है। वैसे इसको और अच्छे से समझा जा सकता है, हर चीज़ को और डीपली जाया जा सकता है, लेकिन मैथमेटिकली आप इतना कराओगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है, उसमें आपको कोई नंबर नहीं कटने वाले हैं, ठीक है। बाकी अगर समय हो तो इसको बुक से भी पढ़िए और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो ये आपका क्या हो गया, थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन हो गई। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा बताने की। तो ये क्या हो जाएगा आपका, कर्ल ऑफ ई इक्वल्स टू माइनस का डेल बी ओवर डेल टी, ये हमें प्रूफ करना था। ये हमारी क्या, थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन हो गई है। तो इस तरीके से हमने तीन मैक्सवेल इक्वेशन अपनी प्रूफ कर दिया। अब जो लास्ट मैक्सवेल इक्वेशन है वो हमें प्रूफ करनी है, ठीक है। ये अलग अलग नाम से भी आती हैं। तो आपकी जो लास्ट मैक्सवेल इक्वेशन है वो देख लेते हैं एक बार। लास्ट मैक्सवेल इक्वेशन जो हमें प्रूफ करनी है वो क्या प्रूफ करनी है, फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन, ठीक है। फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन क्या कहलाती है, वो होती है आपकी क्या, कर्ल ऑफ एच, कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू जे डेल डी ओवर डेल टी, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो आपको ये जो इक्वेशन है इसको कहा जाता है क्या, मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ। तो ये एम्पियर सर्किटल लॉ से आती है इक्वेशन। तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है वो देखते हैं पहले, है ना। देखो इससे पहले एक क्या होती है, एक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होती है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी जो होती है कहाँ पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, वो होती है क्या, कर्ल, सॉरी डायवर्जेंस ऑफ जे, डायवर्जेंस ऑफ जे ये करंट डेंसिटी है, इक्वल्स टू माइनस का डेल रो ओवर डेल टी। ये बहुत ही यूजफुल इक्वेशन है और ये यहाँ पर यूज होगी, ठीक है। जैसे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फ्लूड में आपने पढ़ा होगा, है ना, वैसे यहाँ पर एक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होती है डेल रो ओवर डेल टी। ये प्रूफ अभी तो मैंने नहीं करा रखा है, लेकिन ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन पेपर में तो खैर अभी तक जहाँ तक है नहीं आने वाला आपके, लेकिन ये यहाँ पर यूज़ ज़रूर होगा अभी, ठीक। तो क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ जे इज इक्वल टू माइनस का डेल रो ओवर डेल टी, ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होती है और ये यहाँ पर यूज़ होगी। तो अब हम लिखते हैं क्या, फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन। मैं देख लूँ जरा चल रहा है नहीं चल रहा है, ठीक है। तो क्या है, फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन जो है वो हम देखते हैं। तो फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन के लिए एम्पियर सर्किटल लॉ हम लिखेंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ लिखते हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ होता क्या है, उसको आपने पढ़ा होगा ट्वेल्थ क्लास में।
बी डॉट डी एल जो होता है, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू आई म्यू, ये आपने म्यू नॉट पढ़ा होगा। ये क्या होता है, एम्पियर सर्किटल लॉ कहते हैं इसको। और आपको पता है जो आपका क्या होता है, आपका एक क्वांटिटी होती है आपकी क्या, बी जो होता है वो म्यू नॉट एच के बराबर होता है, ठीक है। तो आप अगर म्यू नॉट को इधर लेकर आओ तो इसी इक्वेशन को आप इस तरीके से ले सकते हो एच, ठीक है। मतलब एच क्या, पहले तो बी अपॉन म्यू नॉट करोगे, है ना, और डी एल आई, ठीक है। तो इसको आप एम्पियर सर्किटल लॉ को इस तरीके से भी ले सकते हो, एच डॉट डी एल आई इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये आपकी इक्वेशन वन होगी यहाँ पर, ठीक है, ये आपकी इक्वेशन वन होगी एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है। आप चाहना तो पेपर में डायरेक्ट एम्पियर सर्किटल लॉ यहाँ से स्टार्ट करना, ये स्टेप मत दिखाना, ठीक है, ये लिखना डायरेक्ट, ठीक। अब इसके बाद आई एक और तरीके से लिखा जा सकता है, अगर आप देखें तो देखो जे जो होता है करंट डेंसिटी क्या होती है, करंट पर यूनिट एरिया होता है ना। तो करंट डेंसिटी जैसे कि मैंने वहां पर आपको बताया चार्ज डेंसिटी, वैसे ही करंट डेंसिटी का भी कॉन्सेप्ट मैं लिख सकता हूँ क्या, इसको डी आई ओवर डी ए भी तो लिख सकता हूँ, तब भी बात बराबर होगी। इसको एस लिख देते हैं सरफेस को, है ना, ठीक है। तो इसको डी आई ओवर डी एस भी लिख सकता हूँ, तब भी चीज़ सेम ही आएगी, जे की वैल्यू तब भी सेम आएगी, क्योंकि रेशियो है ये दो चीज़ों का, ठीक है। तो यहाँ से मैं डी आई की वैल्यू क्या ले सकता हूँ, जे इंटू डी एस लिख सकता हूँ, जे इंटू डी एस ले सकता हूँ। और अगर इंटीग्रेट कर दूँ तो मेरे को आई की क्या वैल्यू मिल रही है, आई की वैल्यू मिल रही है मेरे को जे इंटू डी एस, ठीक है। तो आई जो है वो क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट डी एस भी होता है, ठीक है। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू आप क्या कह सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू आप कह सकते हो, यहाँ पे लिख लेना, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू आप कह सकते हो कि एच डॉट डी एल जो होगा आपका वो बराबर होगा जे डॉट डी एस के। अब फिर से वही चीज आ गई कि भैया लाइन इंटीग्रेशन आ गया, सरफेस इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करना है, तो कौन सी थ्योरम लगाओगे, जो अभी थ्री में लगाई थी आपने, थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन में लगाई थी क्या, स्टोक्स थ्योरम, ठीक है। तो ये लिख लेना, अभी यूज होगा ये तो मैं इधर कर रहा हूँ, चलो इसको मिटा ही देते हैं, ऊपर करते हैं, ठीक। तो क्या होगा, देखो यहां पर मैं स्टोक्स थ्योरम लगा रहा हूं, बाय स्टोक्स थ्योरम, बाय स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम क्या कहती है, ये आप कन्वर्ट करोगे किसमें, सरफेस इंटीग्रेशन में, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, कर्ल ऑफ एच डी एस लिख सकते हो इसको, अगर आप कन्वर्ट करते हो इसको सरफेस इंटीग्रेशन में, ठीक है। और यहां पर आपके पास जे डी एस है ही, तो यहां से अगर दोनों साइड से फिर इसको इधर लाके बात वही पड़ेगी, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कर्ल ऑफ एच जो हो जाएगा वो आपका जे हो जाएगा, ठीक है। कर्ल ऑफ एच इक्वल्स टू जे, आप क्या लिखेंगे, आप टेक सॉरी तो आप क्या लेंगे, टेक डाइवर्जेंस, ठीक है, टेक डाइवर्जेंस बोथ साइड। अब दोनों साइड आपने क्या ले लिया, डाइवर्जेंस ले लिया, ठीक है, टेक डाइवर्जेंस बोथ साइड। तो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल एच, ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल एच और डाइवर्जेंस ऑफ जे इज ये हो जाएगा। अब देखो यहां पर क्या होता है, एक वेक्टर में क्या होता है, वेक्टर एनालिसिस जब आपने पढ़ी होगी तो वहां पर एक क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है कि डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एनी वेक्टर, एनी वेक्टर, कोई भी वेक्टर है अगर आप उसका कर्ल ले रखा है और उसका आप डाइवर्जेंस ले रहे हो, इज ऑलवेज जीरो, इज ऑलवेज जीरो, वो हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है, इज ऑलवेज जीरो। तो यहां पर ये जो चीज है ये हमें जीरो देगी, तो इसलिए आपका डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एच जो होगा वो जीरो हो जाएगा। तो ये अगर चीज जीरो है तो डाइवर्जेंस ऑफ जे जो होगा वो जीरो के बराबर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका डाइवर्जेंस ऑफ जे जो हो जाएगा वो जीरो के बराबर हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा। और इसको इक्वेशन बना लो अपने थ्री, अगर टू बना रखी थी वहां पर तो इसको थ्री बना लो, उसी हिसाब से बना लेना जो भी आपने बना रखी थी।
तो देखो अब ये चीज आई कहां से है, ये चीज आई है अपने पास कहां से, एम्पियर सर्किटल लॉ से। एम्पियर सर्किटल लॉ लिया था हमने क्या, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू क्या लिया था, म्यू नॉट आई लिया था, और इससे हमने ये प्रूफ कर दिया। ठीक, तो ये तो ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहती है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहती है डायवर्जेंस ऑफ जे जो होता है वो हमेशा माइनस का डेल रो ओवर डेल टी होता है। ठीक है, लेकिन ये जो हमें इक्वेशन ये जो बता रही है एम्पियर सर्किट लॉ वो ये बता रहा है, और होता क्या है उसके लिए, किसके लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए, वो ये आता है डायवर्जेंस ऑफ जे इज इक्वल टू माइनस का डेल रो ओवर डेल टी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो चीज है एम्पियर सर्किट लॉ है वो सिर्फ स्टडी स्टेट के लिए सही है, यानी कि वो स्टेट के लिए सही है, उन परिस्थितियों के लिए सही है जहां पर आपका चार्ज क्या हो, स्टैटिक हो, स्टैटिक चार्ज के लिए सही है। क्यों, स्टैटिक चार्ज में आप जब चार्ज आपका स्टैटिक होगा क्या होगा, जब आपका क्यू जो होगा वो स्टैटिक होगा, इसका मतलब क्या है, आपका रो नहीं बदल रहा, आपका जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो कॉन्स्टेंट होगी उस केस में। ठीक है, अगर आपका फील्ड जो है, फील्ड जो है आपका वो अगर स्टैटिक है यानी कि रुका हुआ है, तो आपका जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो कांस्टेंट होगी, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अगर आपकी कांस्टेंट है तो आपका किसी कांस्टेंट चीज का टाइम डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है। तो अगर स्टैटिक है तो स्टैटिक के लिए फिर से वही चीज आ गई, डाइवर्जेंस ऑफ जे इज इक्वल टू जीरो। ठीक, लेकिन अगर फील्ड अपना क्या है, टाइम वेरिंग है, टाइम वेरिंग है, तो रो जो होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा, वो क्या होगा, टाइम का फंक्शन होगा, फंक्शन ऑफ टाइम होगा, टाइम का फंक्शन होगा। अब टाइम का फंक्शन का टाइम डेरिवेटिव जीरो नहीं हो सकता, इसका मतलब डायवर्जेंस ऑफ जे की वैल्यू समथिंग आनी चाहिए थी फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के लिए कुछ ना कुछ आनी चाहिए थी, लेकिन स्टैटिक के लिए सही था। ठीक है, तो स्टैटिक के लिए तो डायवर्जेंस ऑफ जे इज इक्वल टू जीरो आता तो सही था, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए आपका डायवर्जेंस ऑफ जे जीरो नहीं आ सकता। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए क्यों नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि रो चेंज होता रहता है ना, वहां पर रो जो होता है वो चेंज होता रहता है, टाइम वेरिंग फील्ड है, स्टैटिक नहीं है। ठीक है, रो चेंज होता जाता है समय के साथ, तो यहां पर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अनुसार कुछ ना कुछ वैल्यू आनी चाहिए थी, अब वो वैल्यू नहीं आ रही है, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है एम्पियर्स लॉ में। तो वो एम्पियर्स लॉ की जो गड़बड़ है उसको सही कौन करेगा, उसको मैक्सवेल ने सही करा। ठीक है, वो कैसे करा वो देखते हैं, एक बार मैं देख लेता हूँ ये चल रहा नहीं चल रहा, चलो चल रहा है। ठीक है, तो अब क्या है, इसको जो सही करा वो अपने मैक्सवेल ने सही करा, तो मैक्सवेल ने कैसे सही करा देखते हैं भाई। तो ये हो गया, अब मैक्सवेल ने क्या कहा कि ये जो चीज है वो स्टैटिक फील्ड के लिए तो सही है, लेकिन अगर टाइम वेरिंग फील्ड है उसके लिए सही नहीं है। तो उसने क्या कहा कि आपकी जो डेफिनेशन है ना उसमें कुछ गड़बड़ है। ठीक, उसने कहा कि जो आपकी करंट डेंसिटी की जो आपने वो लिया है डेफिनेशन उसमें कुछ गड़बड़ है, जो जे है ठीक है वो खाली जे मत लो, आप उसको सी लो और सी की जगह पर जे प्लस जे डी ले लो, यानी कि उसमें कोई फैक्टर जोड़ो। ठीक है, जे में कोई फैक्टर जोड़ दो जे डी। ठीक है, अब वो जे डी हम निकालते हैं कैसे, अब देखो हमारा क्या आ रहा था, कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू जे आ रहा था जब हमने डायवर्जेंस नहीं लिया था, तो ये आ रहा था। तो वो क्या कह रहा है, ये सी होना चाहिए, जे नहीं होना चाहिए, ये सी होना चाहिए, मैक्सवेल मैक्सवेल ने जो मॉडिफिकेशन करा, तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल मॉडिफिकेशन जो होगा, मॉडिफिकेशन जो हुआ वो क्या था कि टेक सी जो है सी लो एक, और जो क्या हो जे प्लस जे डी हो, तो जे की जगह पर आप सी लो जो कि क्या हो जे प्लस जे डी हो। ठीक है, अब भैया ले लिया, अब टेक डाइवर्जेंस बोथ साइड, टेक डाइवर्जेंस बोथ साइड लिख लेना, यहां पर टेक डाइवर्जेंस बोथ साइड, डाइवर्जन ले लिया, तो यहां पर हो गया डाइवर्जेंस कर्ल एच, ये फिर से जीरो आएगा, और यहां पर डाइवर्जेंस ऑफ जे प्लस जे डी, ठीक, तो ये तो जीरो हो गया। अब ये डाइवर्जेंस ऑफ जे प्लस डाइवर्जेंस ऑफ जेडी में टूटेगा, ठीक है,
डाइवर्जेंस ऑफ जे और जे डी में टूटेगा, अब ये इस साइड ये जीरो के बराबर आ गया, तो डाइवर्जेंस ऑफ जे की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस का डाइवर्जेंस ऑफ जे डी आ रही है, ठीक है, ये आ गई वही बात। अब हमें पता है डाइवर्जेंस ऑफ जे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से क्या होता है, ये होता है, ठीक, तो मैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का यूज करूंगा यहाँ पर, लिख लेना यहाँ पर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जे की जगह पर माइनस का डेल रो ओवर डेल टी इक्वल्स टू माइनस का डाइवर्जेंस जे डी, ठीक, ये ले लिया आपने, माइनस से माइनस का साइन कट गया, जे डी डाइवर्जेंस ऑफ जे डी की जो वैल्यू आ रही है वो आपकी क्या आ रही है, ये आ गई। लेकिन अभी इसको नहीं लिख सकते, अब रो को आप, मैंने बताया था रो कैसे लिखते हैं, ठीक है, रो क्या होता है, फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन से, फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन से आप क्या लिख सकते हो, जो रो है डेल ओवर डेल टी रहने दो और इसको लिख दो डाइवर्जेंस ऑफ डी, ये प्रूफ करा है, रो इज इक्वल टू, ये प्रूफ करा है ना अभी, डाइवर्जेंस ऑफ डी इज इक्वल टू रो, ये प्रूफ करा था, ठीक है, तो यहां पर लिख दिया हमने डाइवर्जेंस ऑफ डी इज लिख दिया रो की जगह पर, और यहां पर क्या है डाइवर्जेंस ऑफ जे डी है, ठीक है, ये आ गया, अब बस हो गया प्रूफ, अब क्या बचा है, ठीक है, एक बार देख लेते हैं, मिटाते हैं इसे, ठीक है, एक बार स्पेस बना लेते हैं अच्छे से। अब इसको क्या कर देंगे, मैं इसको जो डाइवर्जेंस के अंदर डेल ओवर डेल टी को ले जाऊंगा तो मेरे को मिलेगा डाइवर्जेंस ऑफ डेल डी ओवर डेल टी इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ जे डी, तो जो जे डी है आ रहा है हमारा उसकी वैल्यू क्या आएगी, डेल डी ओवर डेल टी आ गई, ठीक है, ये आ गई। और वहाँ पर इक्वेशन क्या थी अपने पास, अपने पास इक्वेशन थी क्या कि हमने लिया था कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू जे प्लस जे डी, और जे डी की वैल्यू क्या आई है यहाँ पर, कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू जे प्लस डेल डी ओवर डेल टी, क्या ये डेल डी ओवर डेल टी, और ये क्या हो गई अपनी फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन हो गई, जो कि प्रूफ हो गई है, ठीक है, फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन हमने प्रूफ कर दिया और यही हमें प्रूफ करनी थी, ठीक है, तो ये क्या है एम, अब ये आई कब है, ये मॉडिफिकेशन के बाद आई है, एम्पियर ने जो मॉडिफिकेशन करा उसके बाद आई है, ठीक है, तो इसको मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ भी कहा जाता है इसलिए। और इक्वेशन क्या आती है, कर्ल ऑफ एच इक्वल्स टू जे प्लस जे डी, ठीक है, तो आई होप ये जो चारों की चारों इक्वेशन है आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसी टॉपिक की सहायता से, इन चार मैक्सवेल इक्वेशन की सहायता से एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन इन अ मीडियम, उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं अच्छे से, बता सकते हैं कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, यानी कि एक रेडिएशन की, और बाकी सारी चीज़ें भी उसके लिए हम प्रूफ कर सकते हैं, वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पेपर में आता रहता है। और ये चार इक्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से कर लीजिए, ठीक है, तो आई होप ये जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, अगर अच्छे से समझ में आया तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।